स्विच। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर, अगर ये सवाल कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। बॉलीवुड के साल के एक और धमाकेदार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फैमिली फिल्म रॉकी और रानी की कहानी को लेकर आई अभी तक की सबसे बड़ी खबर। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा कर लिया अपना एक दिन, आज ये फिल्म का दूसरा दिन। फिल्म को मिल रहे ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज, लेकिन आप सभी को बता दें कि लगभग 60% लोग कर रहे हैं इस फिल्म को पसंद और सिर्फ 40% लोग इस फिल्म को कर रहे हैं नापसंद, जिसकी वजह से ये फिल्म अपने शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह की एक्टिंग की हो रही जमकर तारीफ, साथ ही उनकी कॉमेडी जीत रही है सभी का दिल। फिल्म के बाकी एक्टरों ने भी किया काफी अच्छा काम। अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 13 करोड़ की कमाई की सिर्फ इंडिया से, लगभग 3 करोड़ कमाए हैं ओवरसीज से। इसी के साथ रॉकी और रानी की कहानी का शुरुआती पहले दिन का कलेक्शन दुनिया भर से हो गया लगभग 16 करोड़ का। अगर बात करें इस फिल्म के आज के कलेक्शन के बारे में, तो आज सैटरडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में देखा जा रहा काफी जबरदस्त जंप। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के दिन ये फिल्म सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से कर रही लगभग 16 करोड़ की कमाई और ओवरसीज से कर रही लगभग 4 करोड़ की कमाई। तो आज के दिन का इस फिल्म का कलेक्शन दुनिया भर से होने वाला लगभग 20 करोड़ का। इसी के साथ फिल्म रॉकी और रानी की कहानी का शुरुआती 2 ही दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से हो जाएगा लगभग 36 करोड़ का। और कल संडे वाले दिन फिल्म के कलेक्शन में देखने को मिलेगा फिर से बड़ा जंप, लेकिन फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 150 करोड़ के आसपास। तो आप सभी को क्या लगता है, ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है? आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।